नमस्कार दोस्तों, शाखा नव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक, आज हम कांदिवली में है, जहाँ पे आप देख सकते हैं केईएस कॉलेज जो है इनके द्वारा यहाँ पे LGBTQ को लेकर जो है वो परेड निकाली जा रही है। ये परेड जो है ये उनके कॉलेज से लेकर पूरा जो है परिसर घूमकर फिर से कॉलेज पर आकर अंत होगा। इस परेड में बारिश में भीगते हुए जो छात्र है लव इज़ लव के नारे लगाते हुए यहाँ पर जो है LGBTQ को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि लव इज़ लव, प्यार प्यार होता है, वो चाहे किसी के साथ में भी हो। और ये जो है ये बारिश में ऐसे माहौल में अपनी परेड निकालकर अपने साथ में बैनर लेकर अपने चेहरे पर जो है कलरफुल डिज़ाइन कर इसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इनका क्या कहना है। आप यहाँ पर आज आए हैं, लव इज़ लव के नारे लग रहे हैं, अब क्या कहेंगे? आपके हाथ में भी फ्लैग। देखिए, मैं एडवोकेट डॉक्टर पवन यादव, किन्नर समाज सेविका। आप जैसे देखते हैं कि हर इंसान को एक प्यार की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि हम एक जानवर को भी प्यार करते हैं, लेकिन हमें आज तक जानवर से भी बदतर अलग नज़र से देखा गया है। तो आज हमारे बीच में KES लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल, KES लॉ कॉलेज के सारे मैडम, पूरा स्टाफ आज हमें समर्थन करते हैं इस विषय पे कि लव इज़ लव, मतलब हमें भी प्यार की ज़रूरत है। हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जैसे एक मेल फीमेल को उनके फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, उसी तरीके से हमें भी हमें राइट्स मिलना चाहिए। लोग पूछते हैं आपके लिए क्या किया जाए, आपको क्या चाहिए? अरे हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो एक स्त्री और पुरुष को सम्मान मिलता है वैसे ही हमें भी एक सम्मान मिलना चाहिए। यही हम नारा लगा रहे हैं और आज KES कॉलेज का मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ कि आज हमारे मुंबई महाराष्ट्र में इतने कॉलेजेस हैं पर किसी ने आज तक इतने खुले रूप से समर्थन नहीं किया LGBTQ का। आज KES लॉ कॉलेज ऐसा है जो आज LGBTQ का समर्थन कर रही है, इसलिए मैं पूरे किन्नर समाज की तरफ से मैं दिल से उनका अभिनंदन व्यक्त करती हूँ। आगे भी इस तरीके से उनके प्रोग्राम चलते रहेंगे और मेरा उनका दिल से उनका समर्थन है। LGBTQ को लेकर के अभी भी वैसे ही है? देखिए, पहले के बिहाफ में अभी चेंजेस तो हो रहा है, बिकॉज ऑफ कि हमारे ट्रांसजेंडर भी पढ़ रहे हैं और जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम लगाते हैं, उस तरीके से आज हमारे किन्नर बहनें पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे आगे भी विश्वास है कि हमारे किन्नर बहन कोई पुलिस बनेगी, कोई जज बनेगी, कोई नगर सेवक बनेगी, पर अपनी अपनी जगह हर किन्नर लेगा, इसलिए क्योंकि शिक्षा ही मेन अधिकार है। आज मुझे भी जो सम्मान मिला है वो सिर्फ शिक्षा के नाते मिला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी हर बहनें शिक्षित हो और आगे बढ़े। हेलो, हमारा नाम, हेलो, मेरा नाम है जन्नत ओमकार जीवी करके। मैं ये चाहती हूँ कि हम लोगों को जो राइट्स पहले नहीं था, अभी फिलहाल राइट्स मिला, ऐसा हम हाथ सबको मिला और हमें जो सम्मान मिल रहा है थर्ड जेंडर का जो मिला वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों से बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो हमारा सम्मान किया है, ये सम्मान ऐसा हर किसी को दीजिए, हमें सिर्फ मोहब्बत चाहिए। हम सबको इक्वालिटी देना चाहते हैं और हम लॉ पढ़ रहे हैं, हम लॉ पढ़ा रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमसे ही शुरुआत होनी चाहिए इक्वालिटी की, ताकि हमारे जो संविधान में जो प्रावधान दिए हैं उसको देखकर हमें उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे हमें एग्जीक्यूट भी करना है। इसीलिए हमारा एक ये कोशिश है कि हम हर जनों को हर समान से रखें। तो ये कहाँ से कहाँ तक रैली है? ये रैली एक्चुअली हमारी बहुत बड़ी थी, लेकिन अभी बारिश की वजह से हमने थोड़ा सा इसको शॉर्टकट कर दिया है, तो हम अभी वापस हमारे कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। मैम, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इंस्टीट्यूशन में, एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम एवर दैट आवर कॉलेज हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग। मतलब हमें ऐसे लगता है कि जो उनकी पढ़ाई है उसके अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना और उनको इस तरीके से सोशल मूवमेंट में इन्वॉल्व करना बहुत अच्छी बात है। सो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द कॉलेज। आज हमारे कॉलेज ने KES श्री जयंतीलाल एच पटेल कॉलेज है हमारा, कांदिवली वेस्ट में सिचुएटेड है। हमने एक रैली ऑर्गेनाइज़ किया था छोटा सा टू सपोर्ट LGBTQI कम्युनिटी। बेसिकली ट्रांसजेंडर लॉयर है एडवोकेट पवन यादव मैडम, उनके साथ हम लोग एसोसिएटेड है। वो लास्ट ईयर से हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, शी हैज़ गिवन गियर स्पीच एंड ऑल। तो उनके स्पीच के बाद एक्चुअली हम लोग जितने लोगों ने अटेंड किया आधे लोग रो रहे थे, बिकॉज यू नो तभी हमें समझा कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो एक टच की ज़रूरत होती है, मानवता जिसको हम बोलते हैं।
तो वो मानवतावादी जो एक बिहेवियर होता है वो हम नहीं दिखा पाते हैं जब भी हमें पता चलता है कि वो जो भी बंदा है उसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा अलग है. सो उनको सपोर्ट करने के लिए ही ये रैली हमने ऑर्गेनाइज़ की थी. हमारे पास बहुत बच्चे पढ़ते हैं, 1200 से ज़्यादा बच्चे हैं कॉलेज में. सो पॉसिबल है उसमें से कोई कोई बच्चे जो बाहर ना आ पाते हो, ना बोल पाते हो, तो बस हमें उनको ये अश्योर करना था कि ऐसे बच्चों के साथ भी कॉलेज बोर्ड भी सपोर्टिव और कोई जात का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं किया जाएगा. उनको सेम अपॉर्चुनिटी, सेम ट्रीटमेंट दिया जाएगा बाय द कॉलेज. एंड दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स. अभी हम लोग जो हैं, जैसे हमारा संविधान बताता है, वी आर ऑन इक्वल फूटिंग. सो बस वही थीम को दिमाग में रख के एक शांति वाली रैली थी जो बच्चों ने और टीचर्स ने ऑर्गेनाइज़ की थी. हमारा NSS यूनिट भी इन्वॉल्व था उसके साथ में. एंड या साथी फाउंडेशन जो पवन यादव मैडम का है एंड बहुत सारे जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, तो दे फील सो वैल्यूड. जैसे पवन यादव मैडम मेरे साथ खाना भी खाते तो उनको बहुत वैल्यू लगती है उसकी. तो तभी हमें समझ में आता है कि कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया होगा कि सिर्फ खाना खाने पे शी फील्स कि नहीं, यू आर वैल्यूइंग मी, यू आर रिस्पेक्टिंग मी. सो बस यही रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आज का रैली था. थैंक यू.